नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं 15 सेकंड में खबरें। रेलवे में अपनी जॉब पर वापस लौटी साक्षी मलिक, कहा आंदोलन से पीछे हटने की खबर गलत, सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में निभा रही हूं अपनी जिम्मेदारी। ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने शिकायत ली वापस, पटियाला हाउस कोर्ट में शिकायत वापस ली, पॉक्सो एक्ट में था मामला दर्ज। अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद, 1,20,000 का जुर्माना भी, वाराणसी के एमपी अमल कोर्ट ने सुनाई सजा। गाजियाबाद में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का पर्दाफाश, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए चलता था धर्म परिवर्तन का खेल, पुलिस ने मस्जिद कमेटी के पूर्व सदस्य को गिरफ्तार किया। नहीं रहे महाभारत सीरियल से मशहूर शकुनी मामा, मुंबई के अस्पताल में गोफी पेंटल का हुआ निधन, लंबी बीमारी से जूझ रहे थे गोफी पेंटल। पीएम मोदी ने यशवंत सागर का किया वर्चुअली निरीक्षण, पीएम ने रामसर साइट सिरपुर तालाब को भी देखा, मेयर और सांसद शंकर लालवानी भी हुए शामिल। झाबुआ में सीएम शिवराज का भव्य स्वागत, सीएम ने लाडली बहनों से किया संवाद, कहा मामा गड़बड़ी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। सीएम हाउस में सागर के 3 मंत्रियों के बीच हुए विवाद को लेकर हुई बैठक, सीएम ने मंत्रियों को आपसी तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए। लव जिहाद मामले में साध्वी की अपील, अपने परिवार पर यकीन रखें बेटियां, लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ें। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम शिवराज का मंत्र, कहा जीवन में बदलाव से बचेगा पर्यावरण, जन्मदिन पर लगाएं पौधा। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर का खुला खजाना, पेटियों से निकले सोने के सिक्के, विदेशी मुद्रा, 36 में से पहले दिन खुली 8 पेटियां। भ्रामक पोस्ट डालने वालों पर टीकमगढ़ एसपी सख्त, जारी किए कड़ी कार्रवाई के निर्देश, एक्शन मोड में आईटी सेल की टीम। सतना में धर्मांतरण पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में 2 ईसाई पास्टर और महिला को गिरफ्तार किया। बैतूल में चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरी वृद्ध महिला, हादसे के बाद तत्काल रोकी गई ट्रेन, महिला को ट्रैक से सुरक्षित निकाला गया। सिवनी पुलिस ने बुजुर्ग हत्याकांड का किया खुलासा, किराएदार युवती ने ही की थी बुजुर्ग महिला की हत्या, अवैध संबंधों में उतारा था मौत के घाट। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, तालाब में नहाने गए थे 3 बच्चे, घटना के बाद गांव में पसरा मातम। उमरी लूट और हत्या के आरोपियों पर 30,000 का जुर्माना इनाम घोषित, आईजी सुशांत सक्सेना ने घोषित किया इनाम, सराफा कारोबारी से हुई थी 50 लाख से ज्यादा की लूट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 22 जून को आएंगे दुर्ग, बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल, दौरे को लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। एक दिवसीय दौरे पर कोंडागांव जाएंगे सीएम भूपेश बघेल, दौरे पर बोले विधायक संतराम नेताम, सीएम देगी करोड़ों की सौगात। राजधानी रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान, कहा बस्तर में तय है परिवर्तन, राज्य में तय है फिर से बीजेपी की सरकार। बलरामपुर पहुंचे गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, जिले में 21 करोड़ की लागत से बने 2 पुल का भूमि पूजन भी किया। सीएम भूपेश बघेल का गौधन योजना के अधिकारियों को सौगात, 21 करोड़ 31 लाख की राशि खातों में ट्रांसफर की। सीएम भूपेश बघेल ने पर्यावरण दिवस पर किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। छत्तीसगढ़ में होमगार्ड जवानों के मानदेय में रैंक वाइज वृद्धि के आदेश जारी, न्यूनतम 6,300 रुपये से लेकर अधिकतम 6,420 रुपये तक की वृद्धि। होमगार्ड जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी पर गृहमंत्री ने किया स्वागत, ताम्रध्वज साहू ने सीएम बघेल का जताया आभार।